लीजिए जनाब, कहाँ आ गया हूँ मैं आज? आज मैं लेकर आया हूँ आपको रोहिणी में। दो तीन आउटलेट में खाएंगे, देखेंगे कि सबसे बढ़िया चिकन बर्गर कहाँ मिलता है। और पहला मेरा आउटलेट है, और ये महंगे वाला माइक भाई, ये हमारा नहीं है ये। अच्छा, मैं मिला था ना उसके जेब बैग से निकाल। हाँ, मैं वही कह रहा तो भाई सबसे पहला आउटलेट हमारा द बर्गर क्लब, और भाई निखिल भाई हमारे साथ खाएंगे आज खाना। आज इन्होंने हमारे को बुलाया है। तो हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं बेस्ट नॉनवेज बर्गर की, लेकिन मैं आपको इसी बताऊँ, हमने करो मैंने डिसाइड करा था कि हम सस्ते वाले बर्गर नहीं करेंगे। हम काफ़ी डिबेट हुआ तो बोलता सस्ता करेंगे, मैं बोलता नहीं महंगा करेंगे। एंड यू नो कि हमने महंगा वाला बर्गर इसलिए करना है बिकॉज एक जो सस्ते वाला एंट्री बर्गर होता है ना, वो सिर्फ एक टिकट होती है कि आपको आउटलेट में ले आए। अगर असली स्वाद चाहिए तो सबसे महंगा वाला बर्गर कंपेयर करते हैं। तो इसमें पहला आउटलेट आया है बर्गर क्लब में, काफ़ी यूट्यूबर्स ने काफ़ी तारीफ कर रखी है इसकी, तो हम भी जांचे आज इसका कितना तेल है इन तिलों में। देखते चलो पहले, देखते हैं। लेकिन मैंने खा रखा है बर्गर अच्छा होता है। एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो मैं अकेले भी शूट करता था, बट आई वॉन्टेड के करण के साथ शूट करूँ। रीज़न क्या है कि मेरा टेस्ट अलग हो सकता है, करण का टेस्ट अलग हो सकता है, मनमीत का टेस्ट अलग हो सकता है, और आशीष का टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन जब हम सबका टेस्ट एक बताएगा कि ये है, तो जो कंबाइंड स्कोर आएगा ना वो बताएंगे कौन जीता है। तो 10 नंबर देंगे, 10 नंबर देंगे, क्योंकि एक बंदा थोड़ी बता सकता है। तो पहला बर्गर हमारा आ चुका है, पहले दिखा दो लोगों को, पैसे देके खरीदा भैया। तो पूरा डिस्क्लेमर, हमारा किसी ब्रांड से टाइप नहीं है, हम अपने आप कर रहे हैं। कोई अगर प्रूव करते कि हमने पैसे ले रखे हैं तो हम पैसे देंगे। हाँ सही बात है। और ये देखो भाई, पैकिंग तो अच्छी है, पैकिंग तो अच्छी लग रही है। लेकिन मैंने ना एक वीडियो देखी थी कार्ल रॉक्स की, तो उसने कहा था ये जो बर्गर चेन है ना, ये न्यूजीलैंड की एक बड़ी फेमस चेन की कॉपी और हुबहू कॉपी है। फिलिंग भी अच्छी है, नो डाउट। हमने ये हाफ करवा ली क्योंकि दो बंदे खाने वाले हैं। ये इनका डबल बर्गर है, 200 रुपए का। 200 रुपए का कॉस्ट ठीक है यार, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से टेस्ट आएगा। टेस्ट ओहो, कितना भारी बर्गर है। चेस खा के देखें। तो अंदर वो फ्लेवर नहीं आ पाते, तो ये थोड़ा सा ब्लेंड लग रहा है। मतलब टमाटर प्याज है इस वजह से थोड़ा बहुत टेस्ट है, अदरवाइज अगर वो ना हो तो फिर मज़ा नहीं है। मतलब कहने का मतलब करेंगे ये कि रॉन्ग कट यूज़ कर लिए, इट्स मोर ऑफ अ हेल्दी बर्गर देन अ टेस्टफुल बर्गर जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो ये हेल्दी बर्गर है, हेल्दी बर्गर है, टेस्टफुल नहीं है। चिकन ब्रेस्ट अगर आपने खाया है ना, तो आपको पता होगा कि ऊपर जो मैरिनेशन हो जाए, जो ग्रिल हो जाए, उसी का टेस्ट होता है, अंदर से वो एकदम ब्लेंड होता है, तो ये वो चीज़ आती है। तो मुझे ठीक है, मतलब अंडे का टेस्ट थोड़ा ठीक लगा है, बस खा के देखते हैं। एक ही दिए, 200 रुपये के बर्गर एक ही डिशू दिए। चलो कोई नहीं, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मुझे बर्गर ठीक लगा, बन की क्वालिटी अच्छी है, चिकन इन्होंने मेंस नहीं कर रखा, मतलब होल चिकन है, जो चीज़ अच्छी लगी। पॉजिटिव पहले बात करो, मुझे जो अंडा इन्होंने डाला ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अंडा ठीक है, बट अपनी अपनी चॉइस है, मुझे अंडा सही लगा। जो अंडा सही, मुझे पीस तो सही नहीं लगे, ये वाले चिकन की पीस इसमें नहीं हो रही है, ये तो सैलड वाला है। मुझको 200 रुपए के हिसाब से ना चिकन की क्वांटिटी कम लगी, बिकॉज उन्होंने ब्रेस्ट पीस तो डाला है, लेकिन वो जो अंडा डाला है थोड़ा बहुत और बल्कि होता सैंडविच ना, तो मज़ा आता, मज़ा नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये इससे तो रैपर के साथ ही हाथ पोछती है। तो रेटिंग देते हैं अब, क्या रेटिंग रहेगी तुम्हारी? ये बिग बॉस का घर चल रहा है क्या? 6। तो करण की रेटिंग इस बर्गर को 6 है। आई वुड से कि प्राइस देख के 200 रुपए का बर्गर खाया है, लेकिन ये एक तो जो मुझे सुनने में आया था कि इसके बर्गर ना ऐसे होते हैं कि आप खा सको, लेकिन ये आधा बर्गर हमने खाया, लेकिन इससे पेट नहीं भर सकता। ये तो मैं 2 खा सकता हूँ, कभी को पेट भरना होता तो खा लूंगा, दो तीन तो खा लेंगे हमारे ऐसे। मैं वही बोल रहा हूँ कि बर्गर खाने आए हो आप, टेस्टी बर्गर खाने आए हो, हेल्दी नहीं खाने आए हो। ये चिकन ब्रेस्ट का पीस डाल के ना इन्होंने सबसे बड़ी गलती करी है, या तो मिंस करके जैसे वो टिक्की बनाते हैं गरम गरम ग्रिल करके, वो करो ताकि उसके अंदर जूसेस भी आए। इसके अंदर ऊपर से ग्रिल हो गया तो ऊपर जो मैरिनेशन लगाया उसका टेस्ट है, बट जब अंदर खाओगे तो एकदम फीका लगेगा। मेरी रेटिंग अराउंड 6.5 है, तो टोटल रेटिंग हुई 12.5। साढ़े बारह तो
20 में से चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे देखते हैं। दस में से एवरेज लगा रहे तो छह आई ना, छह आई मतलब छह आ गए, छह छह एवरेज 6.25 फाइनल रेटिंग। चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। सो ओयो रूम्स आर आर पार्टनर एंड दे आर आर हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, तो दे हैव गिवन अस अ स्पेशल कोड एंड वो मैं कोड नीचे यहाँ पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने कभी ओयो से कोई भी बुकिंग करवानी हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा हमारा HMM का एक्सक्लूसिव कोड यूज़ करके, या कोई जा रहा है तो आप उसे शेयर कर सकते हो दिस कोड। सो दिस इज़ अ स्पेशल यू नो ऑफर विच वी हैव गॉट फ्रॉम ओयो टू यू गाइज, जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, फूड एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं पूरे इंडिया में। तो जाओ, खाने में पैसे खर्च करो, रहने में पैसे बचाओ, स्टे इन ओयो रूम्स। तो हम लोग आ गए डी मॉल, यहाँ पे बर्गर किंग और क्या है मैकडॉनल्ड्स दोनों ही है। तो यार बता, तो मैकडॉनल्ड्स के बिना तो कंपटीशन हो नहीं सकता। फिर आपको बता रहा हूँ कि हम लगा जब बोलते हैं बेस्ट बर्गर, तो बेस्ट बर्गर मतलब क्या है कि वो बेस्ट है, बेस्ट नॉट इन प्राइस बट इन टेस्ट। तो सस्ते वाला बर्गर कभी अच्छा हो सकता है? मैंने कॉलेज में सस्ते वाले काफी बर्गर खाए, लेकिन जब हम बात करते हैं बेस्ट बर्गर की तो फिर बेस्ट बर्गर ही दिखाएंगे। ये मैं लेके आता हूँ बेस्ट बर्गर किंग का, सबसे अच्छा बर्गर किंग का, सबसे प्रीमियम बर्गर ये लेके आता है मैकडॉनल्ड्स का। चिकन ना, चिकन ही चिकन लेंगे, चिकन कर रहे हैं ना, मटन तो बनाता नहीं, चिकन ही करेंगे। तो मैं तो चले गया मैकडॉनल्ड्स, करण को भेज दिया मैंने बर्गर किंग, आ गया भाई। बड़ा लेट आता है तू, ले आया ऊपर तेरे की तरफ आया भाई। मेरा जो है ये चिकन बर्गर आया है 156 का, 139 मतलब ये सबसे सस्ता है अब तक का। तो वो कितने का आया था? 200। वो आया था 200 रुपए का भाई साहब। और ये इनके प्रीमियम बर्गर्स है, खोलते हैं इसको। हमने कोक भी ले लिया और फ्राइज भी ले लिए, टिश्यू ही टिश्यू। एक दो तीन चार टिश्यू है भाई। और 200 रुपए के बर्गर में कितने टिश्यू थे? एक। अगर कोई बर्गर क्लब से देख रहे प्लीज टिश्यू दिया करो। ये देखो भाई ये है, और साइज का फर्क देख, ये मैकडॉनल्ड्स का बड़ा भाई लग रहा है। नहीं नहीं बड़ा भाई नहीं है, ये ग्रिल पैटी है पूरी। ये पूरी पैटी है। और एक चीज आपको बता दूं, मैं इसकी ओपनिंग में गया था बर्गर किंग की, जब इंडिया में हाथ भी आया था फ्लेक्स सिटी वॉक, तो इनके जो मिस्टर राजा में कुछ CEO कर है, तो ही टोल्ड अस कि ये नो फिलर्स, कोई फिलर्स यूज नहीं होते इसमें, कोई सोया हुआ नहीं डलता, ये 100% ही है। ये देखो भाई ये है मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, ये सबसे प्रीमियम बर्गर है इनका, मैक स्पाइसी। कितने रुपए का? 156 का। तो पहले करण खाता है ऊपर, मैं हाफ खाता हूँ ये, तो वो हाफ है। ठीक है, हाफ नहीं खाएगा मतलब बाइट लेके, बाकी उन्होंने भी खाना। वो देखो भाई, बाकी वो देखो, बाकी वो देखो, वो देखो मनमीत खा रहे हैं वहाँ पे, बाकी को नहीं देना भाई, हाफ ये खाऊंगा मैं। माइक इधर लगा लेता हूँ, तो मैं खाता हूँ पहले मैकडॉनल्ड्स का, खा के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगर आप मैकडॉनल्ड्स बॉम्बे जाओगे, फिर वेस्ट या साउथ में जाओगे, तो आपको इससे भी प्रीमियम बर्गर मिलेगी वीट बन के साथ, जो हमने बॉम्बे में खा रखे थे। तो इसका जो बर्गर टेस्ट मुझे लगा ना, एक तो स्पाइसी है और पूरा चिकन यूज़ कर रखा है, फ्राइड है, स्पाइसी है, मुझे इसका क्वालिटी अच्छी लगी। थोड़ा बन थोड़ा हार्ड है, इसकी बन की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, तो टमाटर नहीं है इसके अंदर। अच्छा, वो अच्छी बात है, बुरी बात है? मेरे लिए बुरी बात है। अच्छा, अगर आप बर्गर दे रहे हो यार 140 रुपये, तो सबको डाल के दो यार, सारी वेजेस डाल के दो, प्लस इसका टेस्ट टमाटर तो बर्गर क्लब से अच्छा थोड़ा सा बेटर है। अच्छा, क्योंकि जो इसकी जो टिक्की है उसमें फ्लेवर बहुत अच्छा है। अच्छा, और प्योर है, इसमें सोया फिलर्स नहीं। तो इसीलिए इसको मैं रेट, इन्हें एलिपेनोस भी डाल रखे हैं, मैं इसको रेट करूँगा 10 में से 750, साढ़े सात। ठीक है, तो अब मैं ये और मैं इसको जो इसका बर्गर है मैकडॉनल्ड्स का, मैं इसको रेटिंग दूंगा अराउंड प्रीमियम बर्गर के हिसाब से, इसको अराउंड रेट को मैं भी 7.5 रेटिंग दूंगा इसको, साढ़े सात। ट्राई करते हैं चेंज करके। आप मैं बताता हूँ, आप साइज़ देखो पहले, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा साइज़ है, वो इससे भी छोटा था, 200 रुपये का बर्गर, राइट। और इसका भी साइज मतलब ये सबसे बड़ा बर्गर है, मतलब वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से ऊपर इज लाइक नंबर वन। अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो टेस्ट अच्छा है, 7.5 नंबर दूंगा 10 में से, जैसे उसको दिए, दोनों अपने हिसाब से अपने अपनी जगह पे एकदम सही है। तो मुझे जो वूपर में डिफरेंस लगा, एक तो वूपर इज़ वैल्यू फॉर मनी, मतलब आप मानो कि 149 रुपीज़ में काफ़ी बड़ा वूपर है। ये मैं वूपर एक ही खा सकता हूँ, मैं वूपर दो नहीं खा सकता। तू मेरे एक ही खा सकता है? नहीं, दो खा लूँगा,
लेकिन वो फिर कॉम्पिटिशन हो जाएगा ये दो कदम करना कॉम्पिटिशन हो जाएगा वो ऊपर। तो हम लोग जेनुअनली एक ऊपर खा सकते हैं और ये डेढ़ खाता है ऊपर, ठीक है, ऐसा बोलते हैं सेफ साइड के लिए। एंड वो ऊपर का सबसे अच्छी बात लगी, एक तो इकोनॉमिक्स वाइज अच्छा है, सेकंड मुझे ना इसका ग्रिल पैटी अच्छी लगी, फ्राइड नहीं है, मैकडॉनल्ड्स फ्राइड था। तो आई वुड रेट बर्गर किंग अराउंड 8 out of 10। कोई मैं इसको जो आधा नंबर एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ना इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ग्रिल्ड है। हाँ 7 out of 10। ये टोटल रेटिंग कितनी होगी? 5 out of 10। मतलब बर्गर किंग को 8 मिले हैं। हाँ हाँ, और इसको मिले हैं कितने? 7.5। तो अब तक जो लिस्ट है कि नंबर 1 पे बर्गर किंग है, राइट, मैकडॉनल्ड्स ऑफ कोर्स, थर्ड पे बर्गर क्लब। तो अगर भाई बर्गर आ गया है और बर्गर है टैक्स मिला के 180 रुपए का दिए भाई ने। तो अगर हम केएफसी का बर्गर प्रीमियम, अगर करण कह रहा था प्रीमियम अगर चिकन बर्गर कर रहे हो तो केएफसी का बर्गर नहीं कर रहा तो क्या किया? जरूरी है। हाँ इतने दिए हैं दो ये तो एक नैपकिन के शौक के यार नैपकिन नहीं गिन रहा है। सीरियसली यार एक को लेता है यार। खोलो प्रोडक्ट दिखाओ। ये देखिए भाई एंड दिस वन इज, अरे क्या साइज है। अरे देखो पता है ये इसका केएफसी का बर्गर उसमें भी आ गया है वो मैडम तुषार में। तो ये देखिए भाई द साइज ऑफ द बर्गर देखो इसका ना वो बढ़ा ले जो प्राइस है प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये। अगर मैं बात करूँ फिलिंग की तो फिलिंग आप देख सकते हो ये देखिए भाई ओए होए 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 पूरा चिकन का पीस है। और तू कह रहा था यार केएफसी ना करें कमाल है मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी गुड बहुत बढ़िया है यार। अरे दो में काटा हुआ है। हाँ ऑलरेडी काटा हुआ है इसने। अरे वाह फिलिंग देखो फीलिंग देखिए फीलिंग आ गई है बिल्कुल खाने की। अच्छा ये विद चीज ली है तभी महंगा है ये। मैं कहूँ कि इतना का नहीं आता ये विद चीज ली है हमने। इसमें एक चीज और है क्या? ये इनका स्पेशल बर्गर है इसके बीच में आलू की टिक्की भी है। नहीं क्या बात कर रहा है। अच्छा हाँ है तो वेजिटेरियन हैश ब्रेड हो है वेजिट नहीं हैश ब्रेड नहीं आलू की टिक्की है तो वेजिटेरियन डिसअपॉइंट ना हो पागल है मतलब वो चिकन निकाल के फेंक दे। तो रेटिंग दे देते एक बार। नो मेरे भी नो मतलब जेन्युइनली मतलब इसमें मुझे खास बात क्या लगी तो चिकन का बड़ा मोटा पीस है। चिकन मैकडॉनल्ड से फ्रेश है प्लस दूसरी चीज मतलब फ्राई अगर ये फ्राइड ना होता ना तो मैं इसको ज्यादा मजा देता लेकिन और आलू का भी टेक्सचर है और स्पाइसी मेयो का टेस्ट आ रहा है और सामने व्हाइट मेयो भी डाली है और वूपर जितना ही बड़ा है। मैं वूपर को इसलिए रेटिंग ज्यादा दे रहा हूँ साइज बड़ा था लेकिन ये भी मैं एक ही खास दो नहीं खा सकता। ईमानदारी से हमने काफी बर्गर खा लिया एक एक बोलते बोलते। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर चिकन बर्गर खाना है नो डाउट KFC इज द बेस्ट। चिकन सिंगर बर्गर इज द बेस्ट। तो KFC का बर्गर जीत चुका है। हमने जैसी बोला था वैसी बेस्ट बर्गर है और अगर आपको हमारी रेटिंग से कोई डिफरेंशिएट हो तो आप भी खा के देख लो KFC का सिंगर बर्गर। आप भी जान जाओगे KFC का बर्गर कैसा है। करण के 1 million होने वाले हैं एंड कुछ हजार रह गए हैं तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो चैनल एंड जल्दी से 1 million करो और उसके बाद फिर पार्टी करते हैं। सब्सक्राइब टू HMM गाइस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सिर्फ देखते हो तो सब्सक्राइब भी करो। थोड़ा सा जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना तो बंदे को और कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार इतने हो गए तो यार हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बिल्कुल सही है। ऑन दैट नोट दिस इज योर होस्ट निखिल चावला एंड करण दुआ। टेक केयर।